देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था, ये बड़े लोग हैं भाई, इनसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई। अब देखो कैसा फसाद बरपा हुआ, कैसे झपेटे में आए सब। शुक्र करो जो अनाया के साथ हादसा हुआ है उससे तुम बच गई। लेकिन तुम मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, तुम उस घर में नहीं जाओगी क्योंकि वहां पे मेरा बच्चा और तुम महफूज नहीं। मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो, आज जो भी अनाया के साथ हो रहा है ना उसके जिम्मेदार तुम हो मुनीब। उसका घर उजड़ गया, बच्चा नहीं रहा। मैं उसका दुख का एहसास करने की बजाय तुम ये सोच रहे हो कि मैं नुकसान से बच गई। नुकसान तो हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर तुम्हें इस बात का क्या एहसास? ये तुम कब तक मुझे जिम्मेदार ठहराती रहोगी? हाँ कब तक तुम मुझे गुनाहगार ठहराती रहोगी? क्या हो गया है तुमको? और तुम्हारा वो घर, तुम लोग का जो घर है ना, कैसे अजीब से इलाके में है यार, क्या हो गया तुमको? बल्कि उसको बेचो, जान छुड़ाओ। एक एजेंट जानने वाला है मेरा, उसे कॉल करता हूँ, बिकवाता हूँ। बहुत बेहिस हो तुम। वो मेरे पापा का घर है, हमारा पूरा बचपन गुजरा है वहाँ, मेरे बाप की यादें हैं वहाँ, मेरी माँ की पनागाह है। अरे पनागाह महफूज होती है, वो घर महफूज नहीं है तुम लोगों के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अनाया को ना तुम यहां बुलाओ, उसको बैठ के मैं समझाता हूं कि मैडम सबीन के रास्ते से हट जाए, वो अच्छे लोग नहीं है। और देखो कुछ बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ मुकमुका कर लेते हैं, तुम अनाया को अगर समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। और बाकी वो मैडम सबीन की रही बात तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। उन्हें ना तुम लोगों से या अनाया से दुश्मनी नहीं है, अरे वो चाहती है मायर और मुनीजे की शादी हो जाए बस। खुदा की लानत हो उन लोगों की सोच पर जिनका मकसद ना दूसरों का बसा बसाया घर उजाड़ना हो। हेलो सबीना आंटी। हेलो मुनीसे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। अगर बुरी खबर है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों दिख रही है? क्योंकि मेरे लिए वो गुड न्यूज है। ये कब से हुआ? मेरे लिए खबर बुरी हो सकती है और तुम्हारे लिए अच्छी? अभी अभी पता चला है कि अनाया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर उसका मिसकैरेज हो गया। What? ये कैसे हुआ? दुख हो रहा है आपको? नहीं नहीं, मुझे अनाया का कोई दुख नहीं है, बच्चे का अफसोस है। काश काश ये सब इस तरह ना हुआ होता, काश तुम मायर का पहला इंतखाब होती, काश तुम्हारी तवज्जुह से ये बच्चा हमारे घर आता। मुनीजे तुम नहीं जानती दादी बनने की खबर कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी खुशी होती है इसमें। मुझे अनाया का कोई दुख नहीं है, मुझे बच्चे के जाने का अफसोस है, ये बच्चा मेरे मायर की निशानी था और मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। इसलिए इस बच्चे का इस दुनिया में ना आना ही बेहतर है। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अनाया के साथ हुए इस हादसे का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर आपकी नजरें तो ऐसा ही कह रही हैं। अगर तुम समझती कि मैं तुम्हारी नजरों में झांक कर
तुम्हारे दिल का राज जान सकती हूँ तो फिर तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? My future daughter-in-law. इनाया, मेरा बच्चा, मतलब ये क्या बात हुई? दवाइयां तुम्हारी जूं की तू वैसे की वैसे पड़ी हैं। मैं खिला दूं तो कभी खा लेती हूँ। ख्याल रखा कर मेरा सोना। सुमी कहाँ है माँ? तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है? वो आ जाएगी अभी, तुम फिक्र क्यों करती हो उसकी? तुम अपना ख्याल रखा करो। नहीं माँ, मैं जाती हूँ। अरे बोला ना, अभी आ जाती है। लो वो देखो दरवाजा। कौन? क्या हुआ मम्मी? सब ठीक तो है? क्या हुआ? अरे कहाँ सब ठीक है, तुम्हारी बहन तुम्हारी फिक्र कर रही है कि जोना अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ गई है, ठीक भी है या नहीं? कहाँ थी? इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी क्यों नहीं आई घर? हाँ आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपको ना किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ। जिन जिन लोगों ने आपके साथ तशद्दुद किए हैं ना, उन सब के खिलाफ मैंने FIR रिपोर्ट कटवा दी है और इस सारे वाक्य का सबूत मेरे पास मौजूद है। आज ही मुझे सदफ ने पूरी वीडियो सेंड की है। ये क्या पागल हो गई है? किस तरह की बातें कर रही है तू? सुनी, माँ ठीक कह रही है, इनसे बदला लेना इस सारे मसले का हल नहीं है। चलाओ मेरे साथ, हम रिपोर्ट वापस। हम कहीं नहीं जा रहे। अब ये भूल गई क्या? इतना बदतर सुलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना बदतर सुलूक उन्होंने आपके साथ किया है। ये लोग ना लातों के भूत, बातों से हर किस नहीं माने। इसलिए जब पुलिस आए ना तो प्लीज उनके सामने सच बयान दीजिएगा। इतने घटिया और मुनाफिक लोगों से आपको डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो हमारा। सोना, ये क्या कह रही हो तुम? ये हौसला जिसने तुम्हें दिया है ना, उसको जाकर कह देना कि हम अपनी जंग खुद लड़ लेंगे। अभी चलो रिपोर्ट वापस लाते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही और अपनी रिपोर्ट मैं हरगिज वापस नहीं लेती। जुर्म को सहना ना, ये भी एक तरह का जुर्म, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आवाज उठाना ह्यूमन राइट है, तो मैं इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। अब इसके अलावा आप लोग खुद। अरे नया, इसे इतनी हिम्मत किसने दे दी है? किस तरह की बातें कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। मैं आमिर के बारे में सोच रही हूँ, उससे अब मेरा क्या ताल्लुक? सोना का आमिर के साथ होना मुझे क्यों बुरा लग रहा है? He's a cheater. He's a liar. जो मेरी हमदर्दी के भी लायक नहीं है, मैं उसकी मोहब्बत के बारे में सोच रही हूँ। Damn it, मैं आमिर के दिए हुए सपनों को कैसे भूल सकती हूँ? मैं कितनी हर्ट हुई हूँ कि तू वो सोच भी नहीं सकता है। I hate you, आमिर. I hate you. हेलो, आप हेलो कैसे हैं आप? मैंने बस आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल की है। बस ये बताना था कि मुझे आपकी बातों से ना बहुत हौसला मिला है। बाबा के जाने के बाद तो जैसे हर रास्ता बंद हो गया था, हर उम्मीद दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ भी कोई है। I'm glad. लेकिन ये actual solution नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ होगा तभी तुम strong feel करोगे।
मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ कि तुम्हें किसी भी एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। ठीक कह रहे हो। आपको पता है मैंने ना अपने अंदर के डर से लड़ना आपकी वजह से सीखा है। अब मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं हूं, मेरा कोई वजूद है और मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूं। गुड, आई एम प्राउड कि तुमने अपने आप को इस पेन से निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसी तरह स्ट्रांग रहोगी। अच्छा, मुझे जरा फूफा बुला रही हैं। आई टॉक टू यू लेटर। अब ओके, बाय। अम्मी ने खाना खा लिया? नहीं सर, मैडम ने कहा उन्हें भूख नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। जी। हेलो अनाया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना मायर और ना तुम दोनों की मोहब्बत की निशानी। हैरत है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे से इतनी खबर रखते हैं। मुनीजे, मेरे साथ जो हुआ पहले और जो हो रहा है अब, मैं तो उसे नहीं भूलूंगी। मैं तो हर दिन अपने जख्मों को कुरेद के ताजा करती हूँ, तुम हर दिन अपना नमक आजमाती रहो, फिर देखते हैं तुम्हारा जबर ज्यादा है या मेरा सब्र। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत और हौसले की, मगर मेरे हिसाब से तुम इस वक्त इस पोजीशन में हो नहीं। तुम्हारी हालत तो खुद काबिले रहम है, तुम दूसरों को क्या चैलेंज करोगी? मेरे पास एक मशवरा है तुम्हें देने के लिए। मायर की जिंदगी में लौटने के बारे में सोचना भी मत। तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओगी और मैं चार कदम उसको तुमसे दूर कर दूंगी। शुक्रिया मशवरे का। तुम मायर को चार कदम दूर लेकर जाओ या 10 कदम, तो सोचो क्या ही मंजर होगा वो तुम्हारे लिए जब मायर एक दिन लौट कर मेरे पास वापस आए। शायद तब मुझे उन्हें पाने की इतनी खुशी ना हो जितनी तुम्हें उनको खोने की होगी। पछताओगी तुम एक दिन, याद रखना मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर कर दूंगी। अमिका? सर, मैडम अपने कमरे में हैं। उन्होंने कहा है वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी? तुम उनके कमरे में लेके आओ। मगर सर मैडम, इतना कहा है ना उतना करो। Thank you.
इतना तेज ए सी चल रहा है उसके बावजूद आपको इतना पसीना आ रहा है? मुझे लगता है आपका ब्लड प्रेशर लो रहा है। मैंने आपके लिए नाश्ता मंगवाया, प्लीज खा लें कुछ। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। किस तरह की जिद है? मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आपने खाना पीना छोड़ दिया, और आपको क्या लगता है इस तरह मैं खुश हूँ? और खासतौर पर आपकी इस तरह की हालत देख के। तुम्हें ऐसे हाल में देखकर मैं सुकून से रह सकती हूँ? मैंने आपको कहा ना कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मैं आपसे कोई शिकवा तो नहीं कर रहा। बस मुझे अपनी इस दुनिया में मेरे दुख के साथ रहने दें। मेरा 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 दर्द, मेरा हाल, मेरी दुनिया, यही है तुम्हारी जिंदगी। बस मैं कुछ नहीं, मैं तुमसे क्या मांग रही हूं? तुम्हारी खुशी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। मैं तुम्हें कुछ देखना चाहती हूँ, क्या तुम ये छोटी सी बात मेरे लिए नहीं मान सकते हो? मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक छोटा सा फैसला कर सकूं? इतनी सी बात मेरी नहीं मान सकते हो तुम? आप नाश्ता करेंगे ऑफिस से? रखो यहाँ, ठीक है तुम जाओ। क्या करूं मैं इस लड़के का? ठीक है, मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी रखें, फिर हम बाद में देखते हैं। आ गई हैं आप? पानी लेकर आती हूँ, गर्मी कितनी है। नहीं रखो अंदर, तुम चीजें नहीं पीना पानी मुझे। माँ क्या हुआ है, परेशान लग रही हैं, कोई बात हुई है? मना किया था ना मैंने सोना को, रिपोर्ट वापस ले लो, मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में। अरे पुलिस ने रात को छापा मारा, चौक में से 5-6 लड़कों को उठाकर ले गई। चौक में हुका आलम, जो लोग उनके साथ मिल सकते हैं क्या उनकी जमानत नहीं करवा सकते? दिल हौल रहा है मेरा। तो माँ जीना तो है ना हमें इस दुनिया में, अब बहादुरी से जिएं या डर के ये फैसला तो हमारा है। इतनी ज्यादतियां की हैं लोगों ने हम पे, सिर्फ इस डर से हमने उनको कुछ नहीं कहा कि वो लोग हमारे अपने हैं। लेकिन कब तक माँ, कब तक हम ऐसे खामोश रहते? जवाब देने से हम अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे, सिर्फ इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और बस नहीं परेशान हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। डियर आमिर सर, नहीं नहीं ये थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा। यार मोहब्बत फॉर्मल होकर थोड़ी की जाती है। ओके आमिर, हाँ ये सही है। आमिर ये सही है कि मैं प्यार के बारे में अक्सर सुना था कि अपने आप ही हो जाता है,
मेरे दिल ने कभी किसी के लिए इतनी रिस्पेक्ट महसूस ही नहीं की। न कोई इतना अच्छा लगा जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। आप वो खास इंसान हैं जिससे मैं पसंद करने लगी हूँ, या फिर शायद मोहब्बत। हाँ, जैसे इंसान के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना तुम्हारी जिंदगी को ग्रहण लगा देगा। और देखो, तुम्हारी वजह से अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही, खाना भी इन्होंने छोड़ दिया। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। तुम अपने सुख के लिए उनको दुख दे रहे हो। ना करें ना मेरे बारे में इतनी फिक्र। तो तुम भी नहीं करो उनकी फिक्र। किसी बात कर रही हो, तुम तो मेरी माँ है, मैं कैसे ना उनकी फिक्र करूँ। एग्जैक्टली, वो तुम्हारी माँ है, कैसे ना करें वो तुम्हारी फिक्र। तो तुम उनसे एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दो कि वो तुम्हारी फिक्र नहीं करें। और मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं वो अलग बात है। तुम ये बताओ कि ये बात जानने के बाद कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? Please, for God's sake, Tina. I'm already married. एक ऐसी शादी जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिस रिश्ते का कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम भी छोड़ दो उसको, तलाक दे दो उसे। एक तो ये कि ये मेरा साथी मामला है, और दूसरा ये कि मशवरे देना ना बहुत आसान है, उसके साथ मैंने पूरा एक रिश्ता जिया और माना कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी थी, उससे मैंने मोहब्बत की। मोहब्बत सिर्फ एक ही दफा होती है। बैग में रख दिया। बंदा हाँ करे या ना करे कुछ तो रिएक्ट करे। मैंने अपने दिल की किताब खोल कर रख दी और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं जनाब का। क्या मुझे इसे अब ये सब जुबानी कहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। ओ, मुझे कार्ड वाली बेवकूफी ना करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे अब। अम्मी ने कुछ खाया? नहीं सर, वो सुबह से अपने रूम में ही है।
ये देखो, ये देखो, जा रही ना कर लिया करना क्या कर रहे हैं अम्मी, ना करें मुझे, क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं ये, मरने दो मुझे, करना फिर अपनी मनमानियां, मेरा हाल, मेरा दर्द, मेरी दुनिया। प्लीज रिलैक्स करेंगे, मत करें अपने साथी, कुछ हो जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बगैर, जी लोगे, जी लोगे। प्लीज अम्मी ये ना करें, आप आइए बाहर आइए प्लीज, मैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार, जो आप कहेंगे मैं मानूंगा, अभी आप चले तो सही, प्लीज प्लीज चले मेरे साथ, आई एम रियली सॉरी, आप जो कहेंगी मैं करूंगा, प्लीज आप चले, आप बाहर चले, आप, आपकी तबीयत बेहतर, प्लीज आप बाहर। बाहर थोड़ी देर हवा में बैठे, आप बेहतर फील करेंगे, आपसे आप अम्मी के लिए कुछ पीने के लिए लेके आओ। मैडम सुबीन सहगल का घर यही है। कोई मैडम सुबीन सहगल? यस। आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। सर आप जानते हैं आप किसके घर में खड़े हैं? आई एम सॉरी सर, इनायत करीम पर कातलाना हमले का इल्जाम है इन पर। What? अमी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन्हें फजूल में इसके अंदर घसीटा जा रहा है, इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। हमारे पास अरेस्ट वारंट है, इनको हमारे साथ चलना ही होगा। आप उनकी हालत तो देखें, तबीयत नहीं ठीक है उनकी। आप रुकिए मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। प्लीज आप कानून के मामलों में मुदाखलत मत करो। अरेस्ट सर। चलिए मैं चलती हूँ बेटा। इट्स ओके, इट्स ओके, अम्मी आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आइए। देखो मुमताज बहन, तुम 25 साल से इस महल्ले में हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे बच्चे 2 दिन के सलाखों के पीछे हैं। वैसे क्या खूब महल्लेदारी निभाई है तुम लोगों ने, अगर करीम भाई हयात होते ना तो ये नौबत कभी नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रही हो सईदा, अगर मेरी बच्चियों का बाप आज जिंदा होता ना तो वाकई इस बात की कभी नौबत ही ना आती। हर 25 साल पुराना ताल्लुक याद दिला रही हो। अरे तुम लोगों को ये नहीं याद कि जो तुम पड़ोसियों ने मेरी बच्ची पे जुल्म उठाया, भूल गई वो? अरे कौन कौन से इल्जामात नहीं लगाए मेरी बच्ची पे, कौन कौन सी तोहमतें नहीं लगाई? आज अपने बच्चों की बात आई है, कैसे बिलबिला रही हो तुम दोनों? मैं कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है तुम सबके लिए। देखो मुमताज बहन, हम सुलह करने आए, जो हुआ उस पे मिट्टी डालो, अगर सबूत अदालत तक पहुंच गए तो हमारे बच्चों को तो जेल हो जाएगी, उनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मुस्तकबिल क्या होता है, इस चीज का एहसास है आपको? किसी की बहन बेटी पर कीचड़ उछालना, उन्हें अजियत भरे लफ्जों से तकलीफ पहुंचाना, ये होती है मोहल्लेदारी, ये होता है पड़ोसियों के हुकूक। सुनी तुम अंदर जाओ। जा आप ही बस, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और हाँ एक बात आप लोग भी कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लूंगी, जब तक आप ही के मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लूंगी। अरे 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 मुमताज बहन समझाओ इसे, देखो बात आगे ना बढ़ाओ, अगर हमें एक साथ इसी महल्ले में रहना है, तुम्हें तो पता है कि मेरा जमाल मेरी 3 बेटियों का अकलौता भाई है,
अगर उससे कुछ हो गया तो मेरा घर कौन चलाएगा? ये देखो देखो, मैं अपने जमाल बेटे की तरफ से हाथ जोड़ के तुम सबसे माफी मांगती हूँ। खुदारा उसे माफ कर दो। आज के बाद उसकी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ हाँ मुमताज बहन, हमें भी माफ कर दो। वाकई हमसे गलती हो गई, अब हमसे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग चाहिए, हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे। आप ही क्या सुनी, जब कोई अपनी गलती पे शर्मिंदा हो तो माफ कर देना बेहतर होता है। जाइए आप लोग, हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट ले आएंगे वापस। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई नहीं धमका रहा। आप बस उन लड़कों को प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए आपकी गवाही भी हमने अरेस्ट किया इनको, और तो और एक बंदे ने एक बार जुर्म भी किया है। आप टेंशन ना लें, हम आपकी हिफाजत के लिए। देखें जब हम आपको कह रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने खुद ही तो एफआईआर कटवाई थी। गलती हो गई उससे, आप प्लीज रिपोर्ट वापस ले लें। हमें कोई एफआईआर नहीं करवानी, हमें किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। आपने कानून को खैर समझ रखा है? झूठे केस के इल्जाम में आपकी बहन को सजा भी हो सकती है सर, पता है आपको ये? सर उन लड़कों की इतनी कोई गलती नहीं है, और जो गलती हमसे हुई हम उसको सुधारना चाहते हैं। आप प्लीज कोशिश कीजिए, कुछ कुछ करके इस रिपोर्ट को खत्म कर दीजिए, वापस ले लीजिए। चले आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। सर ये मैडम के बेल पेपर्स हैं।
ठीक है मैडम, आप जा सकते। था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के सामने इस तरह यहाँ खड़े होंगे। मुझसे दो गलतियां हुई, एक गलती ये कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और दूसरी गलती ये कि तुमसे शादी की। ये तो मैं जान चुका हूं कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिल ने तुमसे नफरत नहीं की। लेकिन आज जो तुमने किया, आज तुमने किया, जिस तरीके से मेरी माँ को दुख पहुंचाया, जिस तरह मेरी माँ को दर्द दिया था, वो दुख और दर्द अब तुम भी महसूस करो। इतना घटिया इल्जाम लगाया मेरी माँ, और किस औरत के साथ तुम ये सब कुछ कर रही हो जिसने तुम्हें एक्सेप्ट किया अपनी बहू के तौर, अपने घर में रखा, बहू नहीं बेटी बना, उनके साथ तुमने ये क्यों? यार शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, और मैं अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता। तुम्हारी जैसी दस भी आ जाए ना मेरी जिंदगी, तब भी मेरे ख्यालात अपनी माँ के बारे में नहीं बदल सकते। और मैं जानता हूँ ये सब इल्जाम जो लगाए गए हैं ये सब झूठ है, और आइंदा मेरी माँ तक पहुंचने से पहले एक दफा ये जरूर सोच लेना कि उनका बेटा जिंदा है, और ये वो बेटा है जो अपनी माँ के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। चले